गुड मॉर्निंग ऑल। अवर टुडेज टॉपिक इज ऑपरेटिंग सिस्टम। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर के कंपोनेंट्स क्या है। सो आज हम देखेंगे कि कंप्यूटर में जो एक्चुअली वर्क करता है, सिस्टम में जो एक्चुअली फंक्शन परफॉर्म करता है, वो है ऑपरेटिंग सिस्टम। सो बेसिक इंट्रोडक्शन देखेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। Operating system is a software which acts as an interface between the end user and the computer hardware. Every computer must have at least the one OS, that is the operating system, to run the other programs. For example, particular koi ek user hai, user matlab jo computer use kar raha hai aur uske samne ek system hai. सो यूजर की लैंग्वेज अलग है और सिस्टम की लैंग्वेज अलग है। सो यूजर जो इंस्ट्रक्शन देता है वो सिस्टम को डायरेक्टली समझ में नहीं आती है। सो यूजर की एक लैंग्वेज होती है और सिस्टम की एक लैंग्वेज होती है। सो इन दोनों का कम्युनिकेशन करने के लिए सेंटर में जो होता है, जो हार्डवेयर को सिस्टम से कनेक्ट करता है, वो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। सो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? इट इज अ सॉफ्टवेयर जो कि सिस्टम में प्रेजेंट होता है। वो किसके बीच में? कंप्यूटर हार्डवेयर और यूजर के बीच में क्या करता है? कम्युनिकेशन करता है। सो थ्रू दैट हार्डवेयर यूजर क्या करता है? सिस्टम को इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करता है। सो जैसे कि एप्लीकेशन है, क्रोम है, एमएस वर्ड है, गेम्स है। सो दिस नीड्स सम एनवायरमेंट। उसके लिए कुछ एनवायरमेंट चाहिए होता है वो एप्लीकेशन रन करने के लिए। सो ऑपरेटिंग सिस्टम उन्हें क्या करती है? वो एनवायरमेंट प्रोवाइड करती है। जैसे कि सबको पता है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, मैकिंटोश ऑपरेटिंग सिस्टम है, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। सो दिस ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्टेड अ पर्टिकुलर एप्लीकेशन टू रन दैट एप्लीकेशन इन दैट एनवायरमेंट। जैसे कि एमएस वर्ड है, एमएस ऑफिस है, उसके बाद में विंडोज मीडिया प्लेयर है। सो ये सारे एप्लीकेशन है, ये कहाँ पे रन होते हैं? विंडोज एप्लीकेशन सिस्टम या फिर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में। सो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करती है? पर्टिकुलर कुछ एप्लीकेशन के लिए एनवायरमेंट प्रोवाइड करती है। इन दैट एनवायरमेंट वो एप्लीकेशन क्या करते हैं? रन करते हैं या फिर फंक्शन परफॉर्म करते हैं। द ऑपरेटिंग सिस्टम हेल्प्स यू टू कम्युनिकेट विथ योर कंप्यूटर विदाउट नोइंग हाउ टू स्पीक द कंप्यूटर्स लैंग्वेज। जैसे मैंने पहले ही बोला था कि यूजर को कंप्यूटर की लैंग्वेज नहीं पता होती है, कंप्यूटर को यूजर की लैंग्वेज नहीं पता होती है, लेकिन फिर भी उन दोनों में क्या होता है? कम्युनिकेशन होता है। सो वो कम्युनिकेशन ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू होता है। सो अगर कोई सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो वो सिस्टम किसी काम की नहीं होती है। सो इट इज नॉट पॉसिबल फॉर द यूजर टू यूज एनी कंप्यूटर और मोबाइल डिवाइस विदाउट हैविंग एन ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब कोई भी डिवाइस हम क्या करते हैं विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम यूज नहीं कर सकते। आपका मोबाइल ही ले लो, आपके मोबाइल में क्या है? एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है, एप्पल के मोबाइल में एप्पल की ऑपरेटिंग सिस्टम होती है, माइक्रोसॉफ्ट के मोबाइल में विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम होती है। सो हर एक डिवाइस जो आप यूज करते हो उसमें उसका ओन क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। उसके एप्लीकेशन क्या है? बस वही ऑपरेटिंग सिस्टम में रन होते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि एप्पल मोबाइल के जितने सारे एप्लीकेशन है वो एंड्रॉयड पे वर्क नहीं करते, और एंड्रॉयड के जितने सारे एप्लीकेशन है वो एप्पल मोबाइल पे वर्क नहीं करते। सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। सो हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम हर एक अपने अपने एप्लीकेशन को क्या करती है? सपोर्ट करती है। सो दिस इज द बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। हम देखते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सी है। सो साइड पे स्लाइड के ऊपर एक टेबल दिया गया है, वहां पे शो किया है कि ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम क्या है। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम है, iOS ऑपरेटिंग सिस्टम है, मैक्स OS ऑपरेटिंग सिस्टम है, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये सारे क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल है या फिर नाम है जो ऑपरेटिंग सिस्टम हम क्या है अभी यूज कर रहे हैं इस दिस एरा में। सो राइट साइड में ऑपरेटिंग सिस्टम का स्ट्रक्चर दिया गया है कि एक्चुअली ऑपरेटिंग सिस्टम का स्ट्रक्चर कैसे होता है। सो नीचे का जो रेक्टेंगल है वहां पे सीपीयू, रैम, इनपुट आउटपुट मतलब हार्डवेयर शो किया गया है। हार्डवेयर डिवाइसेस जो सारे सिस्टम में लगे हुए थे वो क्या है वहां पे शो किए हैं। उसके बाद में सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर में क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। उसके बाद में सिस्टम सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, और उसके बाद में क्या है? यूजर है। सो फर्स्टली यूजर है जो इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करते हैं सॉफ्टवेयर के थ्रू, हार्डवेयर उसके ऊपर क्या करता है? वर्क करता है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, हम इन डिटेल देखेंगे।
सो फर्स्टली हम देखते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम की हिस्ट्री क्या है. ऑपरेटिंग सिस्टम फर्स्टली कब डेवलप हुआ. ऑपरेटिंग सिस्टम वेयर फर्स्ट डेवलप इन द लेट 1950s टू मैनेज द टेप स्टोरेज. सो फर्स्टली जो स्टोरेज होता था सिस्टम में वो मैनेज करने के लिए क्या किया गया, ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप हुई. द जनरल मोटर्स रिसर्च लैब इम्प्लीमेंटेड द फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम इन द अर्ली 1950s ऑफ देयर IBM 701. IBM 701 इज द कंप्यूटर सिस्टम. उस कंप्यूटर सिस्टम के ऊपर फर्स्टली क्या गया, ऑपरेटिंग सिस्टम इम्प्लीमेंट किया. इन द मिड 1960s ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्टेड टू यूज डिस्क. मतलब सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसे डिस्क में नहीं थी जो डिस्क के ऊपर हम क्या कर सकते थे, वर्क कर सकते थे. लेकिन उसके बाद में क्या हुआ, ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्क में आई. फिर धीरे धीरे करते करते माइक्रोसॉफ्ट की डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम आई जो कि 1981 में डेवलप हुई. द प्रेजेंट डे पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम वॉज विंडोज फर्स्ट केम इन 1985. So when a GUI is that is a graphical user interface was created and paired with MS-DOS. So MS ने, Microsoft ने DOS के साथ pair कर लिया और क्या है, graphical user interface operating system उन्होंने create किया. So this is the history. In short, history है operating system की. हम features देखते हैं कि actually operating system क्या features provide करते हैं. First, protected and supervisor mode. It allows disk access and file system device driver networking security. उसके बाद में program execution होता है operating system के through. Operating system memory management करती है. Operating system input-output operations है वो handle करती है. Manipulation of the file system. उसके बाद में error detection करती है. Error handling करती है. रिसोर्स एलोकेशन अलाउ करता है. ये कुछ फीचर्स है ऑपरेटिंग सिस्टम के, जो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, जब हम सिस्टम यूज करते हैं तो हमें वो प्रोवाइड करती है. सो ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस देखते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करती है. सो स्लाइड के ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस दिए गए है. फर्स्ट है मेमोरी मैनेजमेंट. सो मेमोरी मैनेजमेंट में देखते हैं कि क्या है. मेमोरी मैनेजमेंट रिफर्स टू मैनेजमेंट ऑफ प्राइमरी मेमोरी और मेन मेमोरी. सो मेमोरी मैनेजमेंट क्या करता है, जो कंप्यूटर की मेन मेमोरी है वो मेमोरी क्या करता है, मैनेज करता है. मेन मेमोरी इज द लार्ज एरे ऑफ वर्ड्स और बाइट्स वेयर ईच वर्ड और द बाइट हैज इट्स ओन एड्रेस. मेन मेमोरी प्रोवाइड्स अ फास्ट स्टोरेज दैट कैन बी एक्सेस डायरेक्टली बाय द सीपीयू फॉर अ प्रोग्राम टू बी एग्जीक्यूटेड. It must in the main memory. Operating system does the following activities. Operating system functions करती है memory management के लिए. First function है, it keeps tracks of a primary memory. That is what part of it are in use by whom and what part are not in use. मतलब जब memory, प्राइमरी मेमोरी में डेटा कोई फ्लो होता है या फिर कोई ट्रैक चलता है तो कौन सा पार्ट मेमोरी का यूज होना चाहिए, कौन सा पार्ट नहीं यूज होना चाहिए, कौन सा पार्ट किसके थ्रू यूज होना चाहिए, ये सब मेमोरी मैनेजमेंट में ऑपरेटिंग सिस्टम हैंडल करती है. सेकंड है मल्टी प्रोग्रामिंग. द ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड विच प्रोसेस विल गेट मेमोरी when and how much. मतलब कौन से प्रोसेस के लिए कितनी मेमोरी एलोकेट करनी चाहिए और कब एलोकेट करनी चाहिए. एलोकेट द मेमोरी when process requests it to do so. मतलब कोई प्रोसेस अभी चल रही है, वो वर्क कर रही है तो उसे टेम्पररी मेमोरी एलोकेट करना, उसे सेव करने के बाद परमानेंटली मेमोरी एलोकेट करना. सो ये मेमोरी मैनेजमेंट में ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क करती है. So deallocates the memory when the process no longer needs or has been terminated. मतलब कोई process terminated हो जाती है तो उसे जो allow की गई memory होती है वो उसे deallocate भी करता है. उसके बाद में है processor management. This is also a function of operating system. In multi-programming environment, the operating system decide which process get the processor when
एंड फॉर हाउ मच टाइम, मतलब पर्टिकुलर कोई प्रोसेस है, कोई टास्क है जो हमने सीपीयू को परफॉर्म करने के लिए दिया है. सो वो प्रोसेस वर्किंग में है, तो वो प्रोसेस के लिए कितना प्रोसेसर लगना चाहिए, कितने टाइम के लिए वो प्रोसेस होना चाहिए, ये प्रोसेसर मैनेजमेंट में होता है. इसे प्रोसेस शेड्यूलिंग भी बोला जाता है. ये कौन वर्क करता है? ये ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क करता है. सो ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोसेस शेड्यूलिंग के लिए क्या करता है? इट कीप्स ट्रैक ऑफ प्रोसेसर एंड स्टेटस ऑफ प्रोसेस. द प्रोग्राम रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस टास्क इज नोन एज द ट्रैफिक कंट्रोलर. जैसे हम रोड के ऊपर देखते हैं ट्रैफिक पुलिस होती है, वो क्या करते हैं? ट्रैफिक कंट्रोल करते हैं. ट्रैफिक कंट्रोल करते हैं मतलब क्या करते हैं? जितने सारी व्हीकल्स है उनकी अरेंजमेंट करता है. सो सेम एज दैट ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? जितनी सारी प्रोसेसेस आई है परफॉर्म होने के लिए, टास्क आई है प्रोसेस होने के लिए, तो वो टास्क का क्या करता है? ट्रैक मेंटेन करता है कि हर एक प्रोसेस के लिए प्रोसेसर 5 मिनट्स के लिए होना चाहिए, कितने टाइम के लिए होना चाहिए, तो वो डिसाइड करता है. और हर एक प्रोसेस कंप्लीट हो जाने के बाद फिर दूसरी प्रोसेस अलग एलोकेट करना प्रोसेसिंग के लिए, फिर तीसरा प्रोग्राम एलोकेट करना प्रोसेस के लिए. सो ये क्या करता है? वो प्रोसेसिंग का ट्रैक मेंटेन करता है. सेम एज लाइक दैट ऑपरेटिंग सिस्टम एलोकेट्स द प्रोसेसर CPU to process. Process करने के लिए CPU को वो allocate करता है और वो process end हो जाने के बाद उसे deallocate भी करता है. This is the processor management. Next है device management. जब कोई process चलती है, processor process के ऊपर work करता है, तो वो process input output devices के through क्या करती रहती है? Interface करती रहती है, interconnect करती रहती है. So operating system manage the device communication via their respective drivers. हर एक डिवाइस का ड्राइवर ऑपरेटिंग सिस्टम में सेट किया होता है. जैसे हम देखते हैं कीबोर्ड है, माउस है, तो हर एक पेरिफेरल जो डिवाइस होते हैं कंप्यूटर सिस्टम के, उसका ड्राइवर क्या होता है? इंस्टॉल होता है ऑपरेटिंग सिस्टम में. तभी वो ड्राइवर के थ्रू वो पेरिफेरल डिवाइसेस क्या करते हैं? वर्क करते हैं. अगर माउस का ड्राइवर ऑपरेटिंग सिस्टम में इंस्टॉल ही नहीं किया है, तो आप माउस अगर सिस्टम को कनेक्ट भी करोगे तो माउस का इनपुट और इंस्ट्रक्शन सीपीयू नहीं लेगा, उसके थ्रू वर्क नहीं करेगा. सो इट डज द फॉलोइंग एक्टिविटीज फॉर डिवाइस मैनेजमेंट. इट कीप्स ट्रैक्स ऑफ ऑल डिवाइसेस. इसका मतलब क्या है? प्रोग्राम रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस टास्क इज नोन एज द इनपुट आउटपुट कंट्रोलर. इनपुट आउटपुट कंट्रोलर क्या करता है? सारे डिवाइस का ट्रैक मेंटेन करता है. इट डिसाइडेड विच प्रोसेस गेट्स द डिवाइस, कौन से प्रोसेस के लिए कौन सा डिवाइस एलोकेट करना है, कितने टाइम के लिए एलोकेट करना है, कब एलोकेट करना है. सो हर प्रोसेस के लिए वो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस क्या करता है? एलोकेट करता है. एलोकेट द डिवाइस इन एफिशिएंट वे एंड डी एलोकेट द डिवाइसेस. वो प्रोसेस जब एंड होती है वैसे ही वो क्या करता है? वो डिवाइसेस को छोड़ देता है या फिर उसे डी एलोकेट करता है. उसके बाद में है नेक्स्ट फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ फाइल मैनेजमेंट. फाइल सिस्टम इज नॉर्मली ऑर्गेनाइज इनटू डायरेक्टरीज फॉर इजी नेविगेशन एंड यूजेस. सो दिस डायरेक्टरीज मे कंटेन फाइल्स एंड अदर डायरेक्शंस. ऑपरेटिंग सिस्टम डज द फॉलोइंग एक्टिविटीज फॉर द फाइल मैनेजमेंट. जैसे भी कोई भी डेटा हो हम फाइल के फॉर्मेट में फाइल के सिस्टम में कंप्यूटर में स्टोर करते हैं. सो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या फंक्शन परफॉर्म करती है? ऑपरेटिंग सिस्टम कीप्स द ट्रैक ऑफ इंफॉर्मेशन, लोकेशन, यूजर स्टेटस एक्सेट्रा. मतलब क्या करती है? जो इंफॉर्मेशन है, जो इंफॉर्मेशन का लोकेशन है, वो कैसे यूज करना है, कब यूज करना है, तो उसका मैनेजमेंट करती है. द कलेक्टिव फैसिलिटीज आर ऑफन नोन एज द फाइल सिस्टम. इट डिसाइड हु गेट्स द रिसोर्सेस, इट एलोकेट द रिसोर्सेस एंड इट डी एलोकेट द रिसोर्सेस. मतलब फाइल मैनेजमेंट में डेटा स्टोर कैसे होगा, परमानेंट कैसे होगा, टेम्पररी कैसे स्टोर होगा, प्रोसेस करते टाइम क्या होता है? डेटा टेम्पररी स्टोर होता है. सो फाइल मैनेजमेंट जो है, जो डेटा जिसमें हम स्टोर करते हैं, उसका मैनेजमेंट भी ऑपरेटिंग सिस्टम करते हैं. सो अदर कुछ इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज है जैसे कि सिक्योरिटी है. हम जब पासवर्ड प्रोवाइड करते हैं कोई पर्टिकुलर डेटाबेस को या फिर हमारे सिस्टम को, तो वो पासवर्ड हम क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू एलोकेट करते हैं. इट कंट्रोल द सिस्टम परफॉर्मेंस. सिस्टम का जो परफॉर्मेंस होता है, सिस्टम स्लो वर्क करती है, सिस्टम फास्ट वर्क करती है, सो ये सिस्टम का परफॉर्मेंस भी क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर वर्क होता है. इट ऑल्सो
एरर डिटेक्ट, मतलब जो एरर आते हैं वो एरर कौन डिटेक्ट करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम डिटेक्ट करता है. सो प्रोडक्शन ऑफ डम्स, ट्रेसेस, एरर मैसेजेस एंड अदर डीबगिंग एंड एरर डिटेक्टिंग एड्स, मतलब ये सारे एड्स जो होते हैं एरर के, वो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करती है? मेंटेन करती है. कोऑर्डिनेशन बिटवीन अदर सॉफ्टवेयर एंड यूजर्स, सो कोऑर्डिनेशन होता है जो सॉफ्टवेयर और यूजर्स के बीच में, वो कौन कोऑर्डिनेट करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम कोऑर्डिनेट करता है. इट असाइनमेंट ऑफ कंपाइलर्स, इंटरप्रेटर्स, असेंबलर एंड अदर सॉफ्टवेयर टू द वेरियस यूजर्स ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम. सो अभी हमने देखा ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होती है, ऑपरेटिंग सिस्टम के फीचर्स क्या है, और ऑपरेटिंग सिस्टम हमें कौन से फंक्शंस देती है ताकि हम इजीली क्या कर सके, वर्क कर सके. सो दिस इज द बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम. नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम के कौन से टाइप्स होते हैं.